9 किलो 400 ग्राम है वो अफीम, टोटल 10 पैकेट्स के अंदर हमें है वो मिला। इस पर तीन मुलजिमान हैं जो कार में सवार। भीनमाल पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 किलो 400 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद कर लश्करी कार सहित तीन आरोपी किए गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत भीनमाल पुलिस ने करीब 15 लाख बाजारी कीमत अफीम का दूध बरामद कर तीन आरोपी को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया है। पुलिस निरीक्षक रामेश्वर भाटी के निर्देशन में उप निरीक्षक प्रताप सिंह, डीएसटी प्रभारी गनी मोहम्मद ने 11 सितंबर की शाम को खेमा बाबा होटल के पास रामसिंह रोड भिन्नमाल पर नाकाबंदी के दौरान लश्करी कार आती हुई दिखाई दी। कार का चालक पुलिस टीम की नाकाबंदी देखकर वाहन को भगाने लगा, जिस पर उप निरीक्षक प्रताप सिंह व गनी मोहम्मद को वाहन संदिग्ध प्रतीत होने पर पीछा कर वाहन को दस्तियाब कर चेक किया गया तो गुजरात पासिंग कार की डिग्गी में रखी स्टेपनी के अंदर रखे 10 पैकेटों में 9 किलो 400 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम का दूध होना पाया गया, जिस पर वाहन में सवार बुद्धाराम पुत्र गंगाराम जाति विश्नोई निवासी कुकावास पुलिस थाना बागोड़ा जिला सांसोर, सुनीलाल पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी कुकावास पुलिस थाना बागोड़ा जिला सांसोर व हनुमान राम पुत्र सदराम जाति विश्नोई निवासी कुकावास पुलिस थाना बागोड़ा जिला सांसोर को गिरफ्तार किया जाकर अवैध मादक पदार्थ को परिवहन करने में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध NDPS एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण व पूछताछ की जा रही है। मुलजिमानों के से जब्त अफीम के दूध का बाजार मूल्य 15 लाख आंका जा रहा है। नाकाबंदी करवाई जा रही थी 72 जनाले के सामने। इसी दरमियान एक टाटा हैरियर कार आई, संदिग्ध लगने पे उसको है वो पीछा करके रुकवाया और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर 9 किलो 400 ग्राम है वो अफीम, टोटल 10 पैकेट्स के अंदर हमें है वो मिला। इस पर तीन मुलजिमान हैं जो कार में सवार थे, उन तीन मुलजिमानों को है वो गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक मुलजिम है बुधाराम विश्नोई जो निवासी है कुकावास का, एक है चुनीलाल विश्नोई जो कुकावास का निवासी है, और एक हनुमाना राम विश्नोई है वो भी है निवासी सेड़िया का। तो इन तीन मुलजिमानों को है वो गिरफ्तार किया गया है, आगे का अनुसंधान जारी है।